तो गाइस सुबह के बज चुकी है 7:30 और इस टाइम में सोकर उठ चुका हूँ। अभी तो आसपास कोई भी नहीं है और व्यू देखें यहाँ का काफ़ी खूबसूरत है ना। और रात में ना काफ़ी गाड़ी चल रही थी क्योंकि दार्जिलिंग इसी रास्ते से जाते हैं ना। दार्जिलिंग जाने के लिए ना काफ़ी गाड़ी चलती है, काफ़ी गाड़ी, जितना भी गाड़ी मिलेगी ना अधिकतर 100 गाड़ी में 90 गाड़ी ना इधर ही से जाते हुए दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ से दार्जिलिंग है 40 या 45 किलोमीटर। और एक ना पूरा खबर है क्योंकि ना मेरे हाथ है ना देना हाथ ये ना उठ नहीं रहा, इसी चलते ना मैं रात भर सोया नहीं हूँ, इसी चलते मैं सुबह 7:30 भी उठा हूँ। अभी जस्ट मूड हो के सोचे वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे आराम से खाना खाएंगे और फिर निकल जाएंगे यहाँ से। इतना दर्द ना रात में, रात विश्वास नहीं कीजिएगा, रात में 11-12 बजे रात तक बिल्कुल सोया ही नहीं, 1-2 बजे तब पर भी नहीं सोया, क्योंकि ना इस तरह करना ना इस तरह करना ना ऊपर करना, पता नहीं समझ से बाहर है क्या हो गया। देखते हैं आगे एक सिटी है वहाँ पर अगर डॉक्टर मिल जाएंगे तो इलाज करवा लेंगे, देखते हैं क्या हो, पता नहीं अपने यहाँ पर समझ से बाहर है। और ये देखना पैर भी इसी तरह दर्द कर रहा था, उतना नहीं ना थोड़ा सा दर्द कर रहा था, पता नहीं कैसे चल था, पहले कम दर्द कर रहा था लेकिन आज ना बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुआ, सही आराम से यहाँ पर पार्किंग का रख दिया गया था और वहाँ पर ईटा से ढक दिया था। तो ठीक है खाना ना खाते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं। तो गाइस सुबह के बज चुकी है 9 और इस टाइम मैं निकल चुका हूँ और ना मेरा पूरा हालत ख़राब है, पूरा हाथ ना दर्द कर रहा है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और इन्हें ना सभी काम कर रहे हैं, ये चाय का बगान है और इतना करीब से ना फर्स्ट टाइम देखें, और पत्ता मैं तोड़ के सुन के देख रहा था लेकिन सेंट कुछ भी नहीं है। और यहाँ के बारे में बताएंगे बाद में, ठीक है चलते हैं आप पहले, सबसे पहले निकलते हैं यहाँ से। तो फाइनली गाइस कल बैठा हुआ था ना मैं वहीं पर आ चुका हूँ और ये देहना हाथ में इतना दर्द कर रहा है ना कि मैं सेटल ढकल नहीं पा रहा, मतलब कि इतना दर्द कर रहा है देने हाथ, पता नहीं क्यों। इसी हल तो मैं सिक्किम नहीं जा रहा हूँ, सिक्किम में कैंसिल कर दिया हूँ, देखते हैं पूरा। अभी तो असम जाएंगे और यहाँ से असम बॉर्डर है 220 किलोमीटर, तो 2 दिन में पहुँच जाएंगे, 2-3 दिन में पहुँच जाएंगे। और क्या हो रहा है मेरे साथ ना समझ से बाहर है, देखते हैं अगर पूरा घूमने के बाद अगर लास्ट में शरीर सही रहा, हाथ सही रहा तो फिर सिक्किम भी जाएंगे, अगर नहीं रहा तो एक स्टेट छूटने वाला है। फिलहाल जैसे भगवान की इच्छा आप क्या ही करें। आप सोच रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वैसा कोई बात नहीं, जब लद्दाख में क्रॉस कर सकता हूँ तो ये मामूली बात है। और घाटी नहीं रहता ना तो मैं चले जाता, लेकिन घाटी था और भी 40-45 किलोमीटर कंटिन्यू, इसी वक्त फिर पीछे मैं मुड़ गया और पूरा दर्द कर रहा है ये ना, ये पूरा यहाँ से एक पूरा दर्द कर रहा है ये पूरा। ठीक है अभी 10 मिनट रुकेंगे उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस 1:30 बज चुकी है और काफ़ी दर्द कर रहा है, इस टाइम में खा रहा हूँ चिप्स, आलू चिप्स तो खाता हूँ और काफ़ी धूप है। और सिलीगुड़ी से सिटी से बाहर निकल चुका हूँ, अभी बाहर निकल रहा हूँ और सिटी से काफ़ी आगे मैं निकल गया हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि आसपास कहीं रहने लगी जगह मिलता ना मैं रुक जाता, पर ये चाहिए ना कि सिलीगुड़ी में मतलब कि दुर्गा माता के पंडाल ना काफ़ी खतरनाक उठ रही है, हर जगह मतलब हर 100 मीटर में मिल जाएगा पंडाल। यहाँ पर भी एक पंडाल है और एक आगे ओछा पता नहीं क्या चाहिए, और यहाँ पर लिखा गया है सभी बंगाली भाषा में, हर जगह बंगाली भाषा में, पढ़ने में भी दिक्कत होता है क्या क्या लिखा गया है देख सकते हैं, आपसे दिखाता हूँ हर जगह ना बंगाली है ना, हर जगह मिल जाएगा। फिलहाल खाते हैं निकलते हैं। तो गाइस सुबह के बच्चे की 7 बजने वाली है, अब फिलहाल नाइट हॉल्ट किया था इस रूम में, ऊपर छप्पर देख सकते हैं पूरा बांस का बनाया गया है, यहीं पर मैं कैंपिंग कर दिया था, ये जिनका था उनसे परमिशन ले लिए थे तभी मैं यहाँ पर कैंपिंग किया था। अगर आप भी ट्रैवलिंग करते ना तो कहीं भी जगह हो अच्छा हो तो
जिनका प्रॉपर्टी उनसे परमिशन लेकर ही आप कैंपिंग कर सकते हैं, रह सकते हैं, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा। फिलहाल फटाफट सर जाते हैं क्योंकि वो ना यहाँ पर सामने मंदिर है, मंदिर भी इन्हीं का है, तो वो यहाँ पर फूल बेचेंगे। तो फटाफट यहाँ से हम निकलते हैं। कौन सा प्लेस, कौन सा जगह हूँ, इस जगह का नाम क्या है, वो तो जाते समय बता दूंगा। फिलहाल आज के ब्लॉग करते स्टार्ट है। राधे राधे। इसी तरह सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग, झारखंड टू ऑल इंडिया से यात्रा में स्वागत है। तो ये मैं दूसरा दिन ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। फर्स्ट डे में बेटी इसने बनाया कि ना हाथ पर दर्द कर रहा था, आज भी दर्द कर रहा है लेकिन थोड़ा सा कम हुआ है। तो फटाफट से रहते उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस इधर पूरा पैकिंग हो चुकी है और अभी सुबह सुबह मैं केला खा रहा हूँ, कल लिया था एक दर्जन, तो चार पीस बचा हुआ है। और इधर बिस्किट है तो केला भी खा लेते हैं, 50 रुपये दर्जन लिया था, काफ़ी मीठा है तो खाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे और 8 बजे आज निकलेंगे क्योंकि 8 बजने में 20 मिनट कम है। तो अभी मैं फ़ोटो एडिट कर रहा हूँ वीडियो पोस्ट करने के लिए। तो ये रहा दुर्गा माता का मंदिर और इसी के बाजू में यहाँ पर मैं सोया हुआ था। और अभी मैं हूँ बेला कौवा में, इस गांव का नाम है आसपास। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस इधर मैं खा रहा हूँ ओट्स जो रात में बनाया था, तो रह गया था तो वही मैं अभी खा रहा हूँ। और खा कर ना यहाँ से फिर निकलेंगे। और एक चीज़ और, हाँ आज मेरा 1 साल हो गया है, 18 अक्टूबर है आज, और अभी तक 19,600 किलोमीटर साइकिलिंग कर लिया। अब फटाफट खाता हूँ उसके बाद निकलता हूँ। और आप सभी के प्यार आशीर्वाद के कारण ही आज 1 साल हो गया है। और अभी मैं हूँ अकस्मा स्टेट कहाँ पता ही है, बंगाल में। अब बंगाल में भी काफ़ी प्यार मिल रहा है, ऐसा भी नहीं कि लोग यहाँ के बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अभी फ़िलहाल 1 घंटा राइड किया, उसके बाद अभी 9 बजे हैं, खाते उसके बाद फिर आगे निकलेंगे, जर्नी कंटिन्यू रहेगा। तो गाइस अभी मैं आया हूँ टीस्टा, इस रिवर का नाम है टीस्टा रिवर, क्रॉस कर रहा हूँ। और लगता ना बाढ़ आया है, पूरा पानी ना गंदा है और व्यू भी मस्त है। उधर तो ट्रेन जाने के लिए बनाया गया है पुल, और इधर गाड़ी साइकिल मोटरसाइकिल सब के लिए जो रास्ते पर चलती है। चलते हैं क्रॉस करते हैं। वाह। तो गाइस आज का मैं दूसरा स्टॉप लिया हूँ और इतना ख़तरनाक गर्मी है ना, इतना ख़तरनाक गर्मी है कि 11 बजे इतना ख़तरनाक है, लेकिन ना 4 बजे ना मतलब कि 2 बजे से 3 गर्मी ना धूप है ना वो नॉर्मल हो जाती है, 3 बजे से पूरा नॉर्मल, 4 साढ़े 4 बजे तो फिर मतलब 5 बजे तो फिर रात हो जाती है। तो अभी रजिस्टर करता हूँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे निकलेंगे आगे। तो अभी ना मैं कौन सा सिटी में आया पता नहीं, लेकिन ना दुर्गा पूजा ना पूरा ज़ोर शोर से यहाँ पर पूरा चल रहा है। और दुर्गा पूजा ना बहुत फेमस है कलकत्ता में और वेस्ट बंगाल में भी, पूरा खतरनाक सजावट चल चुकी है। गाइस क्या खूबसूरत जगह है, काफ़ी खूबसूरत, प्योर केरला का फील है इधर। एक चीज़ ज़रूर है, इधर जहाँ जितना भी घर देखिएगा ना सभी टीन से बनाया गया है, सभी का छत आगे भी है ना, सभी टीन से बनाया गया है, इधर भी पूरा टीन से बनाया गया है, लेकिन व्यू ना एक नंबर है, काफ़ी खूबसूरत है। तो गाइस गांव के रास्ते जाने का मज़ा ही कुछ अलग है, अनेक अनेक प्रकार का चीज़ देखने को मिलेगा। इधर ना एक चेली है, लकड़ी पतला पतला मशीन से कटिंग करके इसे रोड ना सुखाते हैं, साइज से ना माचिस का जो तिल्ली होता है ना वो बनता है। और पूरा मिल जाएगा आसपास, पूरा मिल जाएगा, इधर ना पूरा मछली मारते, हर गड्ढा में मछली मिल जाएगा आप सभी को, हर गड्ढा में। उधर भी मार रहे हैं ना सभी लोग, काफ़ी खूबसूरत विलेज है, काफ़ी खूबसूरत है। इधर ना आसपास देख रहे हैं तो ये नए का पेड़ नहीं है, ये सुपारी का पेड़ है, और सुपारी का पेड़ ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और नए का पेड़ ना एक भी नहीं देखने के लिए मिलेगा। और इसी चलते ना यहाँ के लोग ना सुपारी ना बहुत ज़्यादा खाते, बहुत ज़्यादा,
हर किसी का मुंह में देखिएगा सुपारी सफाई रहेगी, और लेडीज हो जेंट्स हो, बड़े हो छोटे हो, सभी के मुंह में सुपारी रहेगा। अधिकतर काफ़ी खूबसूरत रहे थे, काफ़ी खूबसूरत। सो ब्यूटीफुल। तो गाइस ये है धुबरी सिटी का दुर्गा पंडाल, और अभी धुबरी में पहुंच चुका हूँ, इंटर कर चुका हूँ और अभी बाहर निकल रहा हूँ सिटी से। तो गाइस रात के बज चुकी है 10, और अभी इधर खाना बन के बच के रेडी, और ये रहा आज थोड़ा सा डिफरेंट बनाया हूँ, खिचड़ी तो नहीं बनाया हूँ लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट बनाया हूँ, इधर चटनी है, इधर मैं खा रहा हूँ और काफ़ी अच्छा खाने में लग रहा है। और आज ना रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा था, तभी 8 बजे रात को मुझे एक स्थान मिला। जैसे ही पूछे, यहाँ के ओनर थे, वो बोले हाँ रुक जा, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके बारे में सुबह मैं बात करूँगा। फ़िलहाल बाहर अभी दुकानें खुली है और 11 बजे तक खुली रहेगी, फिर 12 बजे बंद हो जाएगी। फ़िलहाल ठंडा भी नहीं है ना गर्मी है, तो आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, राधे राधे।